हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडेज टॉपिक इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। सो मेंटल हेल्थ क्या होता है और मेंटल इलनेस क्या होती है, ये हम देखेंगे। सो मेंटल हेल्थ से पहले आपको हेल्थ की डेफिनेशन आती होगी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड वेलबींग, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फर्मिटी इन द बॉडी, ये होती है। तो लेकिन हमें करना है मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। सो मेंटल हेल्थ क्या है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडिविजुअल और उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें उसका अगर बैलेंस करके वो रहता है तो वो मेंटल हेल्थ उसका ठीक है। एंड स्टेट ऑफ हारमोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर। ठीक है, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना। को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ, दैट ऑफ अदर पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको रियलिटी का पता होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू कार्ल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनेजर, MENNI है ये, MENNI। सो कार्ल मैनेजर 1947 डिफाइंड मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर। ठीक है, विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। सो कार्ल मैनेजर, दैट इज MENNINGER, ओके, ठीक है। सो कार्ल मैनेजर ने 1947 में डिफाइन किया था मेंटल हेल्थ को कि इट इज़ एन एडजस्टमेंट। इट इज़ क्या है, ये एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बींग टू द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के साथ और दूसरे व्यक्तियों के साथ भी एडजस्टमेंट बना के रखना विद ए मैक्सिमम और इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, दिस इज मेंटल हेल्थ। सो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, श्योर, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अब चलते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। सो कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होता है, ठीक है, किसको हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ, किस चीज़ को हम बोलेंगे कि है सही है, क्या चीज़ें हम देख करके बोलेंगे। सो फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, जो भी पर्सन है अगर वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है जैसा भी वो है, ठीक है, कंफर्टेबल फील करता है अपने आप में, ठीक है, उसको उसको बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक है उनकी। ठीक है, अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहना और क्या होना कि एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज़ द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे के लिए, मतलब कि के प्रति सही भावनाएं रखता है, मीन्स अग्रेशन नहीं दिखाना, ठीक है, सिंसियर रहना दूसरों से, और फ्रेंडशिप है अगर उसकी दूसरों से जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहती है, अच्छे से बात करता है, अग्रेसिव नहीं है, एंटी सोशल बिहेवियर नहीं है उसका, अपने नेबर्स के साथ अच्छे से व्यवहार है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कि सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट बना करके रखना। नेक्स्ट इज़ द एबिलिटी टू फुलफिल द लाइफ, फुलफिल लाइफ टास्क। सो जो भी उसके टास्क है उसको कंप्लीट करना, जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है, एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अपने बारे में सोचना और अपने गोल्स के बारे में सोचना, ठीक है, और डिसीजंस लेना वो ही खुद कर सकता है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में उसको वो खुद फोकस आउट करता है, फाइंड आउट करता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ की द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। नेक्स्ट इज एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। ठीक है, अब उसका रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, उससे फैंटेसी में ना जिए, रियलिटी के साथ भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। ठीक है, जो भी उसकी थॉट्स हैं और इमेजिनेशन है उस पर उस कंट्रोल होना चाहिए कि क्या सोच रहा है वो, इतना भी विविड इमेजिनेशंस नहीं करने चाहिए उसको कि वो सिर्फ फैंटेसी में ही जिए। तो ऐसे कंडीशन को हम मेंटल हेल्थ कंपोनेंट नहीं बोलेंगे। अ पर्सन शुड हैव कंट्रोल ऑन हिज थॉट्स, ठीक है, एंड इमेजिनेशंस, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, देन सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करे, कोई पर्सन है उसको सोसाइटी भी अगर एक्सेप्ट करती है, क्यों एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा है, यही सब चीज़ें देख करके तो हम लोगों से बात करते हैं। सो अगर सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करती है देन दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, देन हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो है मेंटली हेल्दी है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसका और हेल्दी इमोशनल लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, दिस ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ।
सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना, क्या चीज़ इंडिकेट करेगा कि मेंटल हेल्थ को. सो फर्स्ट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड साइट सेल्फ, ठीक है. इसमें क्या आएगा कि दिस इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन. द इंडिविजुअल फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरमेंट, ठीक है. जो भी इंडिविजुअल है, जो भी उसका व्यू है वो अपने टूवर्ड सही होना चाहिए, जो भी उसकी नॉलेज है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टे होना चाहिए उसको अपनी लिमिटेशंस का और स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए. जो भी पर्सन है उसको अपनी लिमिटेशंस अगर पता है और उसको एक्सेप्ट करता है वो कि हाँ मेरी लिमिटेशन इतनी है, दूसरों के सामने मान जाता है, तो दिस इज़ अ इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ, अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये इंडिकेटर क्या है कि दिस इंडिकेटर कोरिलेट विथ वेदर द इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विथ ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. हर एक लेवल पे जो भी उसके टास्क थे लाइफ में उसको वो परफॉर्म करता आया है और अचीव करता आया है. सो दिस इज़ अ नेक्स्ट इंडिकेटर कि जो भी उसके लाइफ में डेवलपमेंटल लेवल पर जो भी टास्क थे, लाइक अगर वो छोटा था तो किसी क्लास में पढ़ रहा है तो उसको उसने टेस्ट क्लियर किया, देन आगे जॉब मिली उसको, देन सोसाइटी से बिहेवियर अच्छा है, देन अपना रिलेशनशिप उसका अच्छा है, देन अपने फ्रेंड्स के साथ सही से रहता है, ठीक है, अपने काम को टाइम पे पूरा करता है. सो दीज ऑल आर द टास्क जो कि वो टाइम पे पूरा कर रहा है, तो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है. तो ये है नेक्स्ट इंडिकेटर. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन क्या इंक्लूड करता है, जो भी उसकी एबिलिटी है कि किसी भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की, ठीक है, जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर, उसको अडेप्ट कर लेता है और अपने आप को उसमें फिट करता है, ठीक है. सो दिस इज द इंटीग्रेशन, चाहे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो चाहे कुछ भी हो उसमें अपने आप को मैनेज करना. देन ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या होता है, इट रेफर टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर. ऑटोनॉमी क्या होता है, जब भी कोई पर्सन कोई भी काम अपने आप करता है, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में, मतलब कि किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना, ठीक है, तो अगर वो किसी को ब्लेम नहीं करता है, अपने काम को खुद पूरा करता है, दिस इज़ द नेक्स्ट इंडिकेटर. एंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज़ नेक्स्ट. सो परसेप्शन ऑफ रियलिटी मतलब उसको रियलिटी का पता होना चाहिए, ठीक है. एनवायरमेंटल मास्टरी. एनवायरमेंटल मास्टरी का क्या मतलब है कि दिस इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड अ सेटिस्फैक्टरी रोल विद इन द ग्रुप, ठीक है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट. ही इज़ एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर फॉर अदर्स. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थी पर्सन कौन होता है, जो कि अपने एनवायरनमेंट से रिलेशन बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखता है सराउंडिंग में. सो अपने जो भी सोसाइटी है उसमें बैलेंस बना के रखना, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ग्रुप में सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप प्रोवाइड होना और बनाना, दिस इज़ अ एनवायरमेंटल मास्टरी. सो दिस ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन. ठीक है, मेंटली हेल्दी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है, देखिए, फर्स्ट तो होगा ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्ट कर लेगा अपने आप को. ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग वर्थ वाइल एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसको अपनी जो भी सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ की फीलिंग होगी एंड फील्स वर्थ वाइल एंड इम्पॉर्टेंट. ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाई हिज ओन एफर्ट. क्या करेगा वो, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा और अपनी डिसीजंस खुद बनाएगा, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा, ठीक है. नेक्स्ट, ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन ग्रुप, शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल प्रॉब्लम एंड मोटिव्स. सो जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा क्या करेगा, ग्रुप में सिक्योर महसूस करेगा अपने आप को और अपने रिलेशनशिप बनाएगा दूसरों के साथ और अंडरस्टैंडिंग शो करेगा ग्रुप में, ठीक है. ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, दूसरों से प्यार से बात करेगा और दूसरों जब दूसरे से बात करेंगे तो उनकी भी वो रिस्पेक्ट करेगा. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके पास. ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटसी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो रियलिटी में रहेगा, फैंटसी में नहीं रहेगा, मतलब सपनों में नहीं रहेगा, बस रियल लाइफ क्या है उसमें रहेगा. ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी शो करेगा अपने बिहेवियर में एंड डेवलप अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ. तो डेली लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट होती है उसको वो कहीं ना कहीं डील करने की हिम्मत रखेगा. ही हैज़ अ वराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली लीड टू
अ वेल बैलेंस्ड लाइफ ऑफ वर्क रेस्ट एंड रिक्रिएशन. सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन. सो वी हैव डन वॉट द डेफिनेशन कंपोनेंट इंडिकेटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन. नाउ अब हम देखेंगे मेंटल इलनेस. ठीक है. सो मेंटल इलनेस क्या होती है? मेंटल इलनेस इज माल एडजस्टमेंट इन लिविंग. मेंटल हेल्थ क्या थी कि एडजस्टमेंट था, बैलेंस था. इसमें क्या होगी? माल एडजस्टमेंट होगी इन लिविंग. इट प्रोड्यूस अ डिसहार्मोनी इन द पर्सन्स एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स कंफर्टेबली एंड इफेक्टिव एंड फंक्शन विद इन द कल्चर. सो जो भी ह्यूमन होगा, मेंटल इलनेस की बात करें तो मेंटल इलनेस क्या होती है कि डिसहार्मोनी हो जाता है पर्सन्स की एबिलिटी में. वो ह्यूमन नीड्स को पूरा नहीं कर पाता कंफर्टेबली और इफेक्टिवली. ठीक है. जो भी है तो इसमें माल एडजस्टमेंट होती है. नेक्स्ट, अ मेंटली हेल्दी पर्सन, अ मेंटली इल पर्सन जो होता है अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देता है. ठीक है. रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन. जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा. जो भी उसकी अपने लिए एक्सपेक्टेशंस थी, डिमांड्स थी सोसाइटी की, उससे वो उसके लिए वर्क नहीं करेगा सही से. सो दिस इज़ द मेंटल इलनेस. नेक्स्ट, अब देखिए कौन सा पर्सन मेंटली इल है. अ पर्सन इज कंसिडर्ड मेंटली इल अगर इफ़ द पर्सन बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग सेल्फ एंड अदर्स. अगर उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जो कि डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है उसके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, सो वो होगा मेंटल इलनेस, मेंटली इल. द पर्सन बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन टू डे टू डे. और जो उसका बिहेवियर है डे टू डे लाइफ में डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है जॉब की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, सो दिस इज ऑल्सो शो कि अ पर्सन इज मेंटली इल. नेक्स्ट, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इल पर्सन. सो मेंटली इल पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा होगा? चेंज इन वन थिंकिंग मेमोरी परसेप्शन फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन द चेंज इन टॉक एंड बिहेवियर विच अपीयर टू बी डेवियंट फ्रॉम प्रीवियस पर्सनैलिटी और फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी. सो जो मेंटली इल पर्सन होगा उसका जो परसेप्शन है, फीलिंग है, जजमेंट है, उसमें क्या होगा कि डिस्टर्बेंस आ जाएगी मेमोरी में, और जो उसका बिहेवियर होगा वो भी अलग होगा. ठीक है. डेवियंट एंड प्रीवियस जो उसकी पर्सनैलिटी थी उससे वो अलग बिहेव कर रहा है अब, तो मेंटली इल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दीज चेंजेस इन बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस. जब ये चेंजेस आएंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रेस आएगा इंडिविजुअल के अपने रिलेशन में, दूसरों के साथ व्यवहार में, है ना. सो चेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉज डिस्टर्बेंस टू डे टू डे लाइफ. तो क्या होगा? डे टू डे लाइफ जो ये चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा? डे टू डे लाइफ में भी डिस्टर्बेंस होगी, जो उसकी जॉब है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी, जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं कर पाएगा, वो जो उसका रिलेशनशिप्स है वो भी नहीं हो पाएंगे. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस. नेक्स्ट, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं मेंटली इल के. कुछ यहाँ पर है लाइक फिजिकल फैक्टर की अगर बात करें तो उसमें डैमेज होता है ब्रेन किसी ट्यूमर की वजह से, या अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से, या पॉइजन की वजह से ब्रेन में डैमेज हो जाना. हेरिडिटरी फैक्टर की बात करें तो मेन इनहेरिटेड टेंडेंसी टूवर्ड, अगर फैमिली में किसी को पहले मेंटल इलनेस थी कोई भी, तो आगे चांसेस होते हैं कि हो किस आने वाले जनरेशन में. अर्ली एक्सपीरियंसेस, मतलब कि अगर कोई बच्चा है उसको नेग्लेक्टेड बिहेवियर शो हो रहा है, उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं हो रहा, तो आगे चल के उसको मेंटल प्रेशर पड़ता है, तो उसको मेंटल इलनेस होने के चांसेस रहते हैं. रीसेंट इवेंट लाइक किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो दिस ऑल आर द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ.